धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की एक सरल सी साखी और साखी पर कुछ विचार। या दुनिया दो रोज की मत कर या सो हेत, गुरु चरणन चितलाइए जो पूरन सुख देत। यह दुनिया दो दिनों की है, इसलिए इस दुनिया से प्रेम मत करो, गुरु के चरणों में प्रेम लगाओ, जहां से पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, सब प्रकार का सुख मिलेगा। तो सचमुच में दुनिया दो दिन की है, कहीं दो दिन कहा जाता है, कहीं चार दिन कहा जाता है, कहीं दस दिन कहा जाता है। साहब ने भी कहा है, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, टेसु फूला दिवस दस। एक कहने के तरीके हैं, दो दिन चार दिन दस दिन बात नहीं, दुनिया तो सदा से थी, आज है और आगे रहेगी, अनादिकालीन है दुनिया। यदि दुनिया कभी नहीं थी तो आई कहां से? दुनिया कब से है, कब तक रहेगी, इस प्रश्न में उलझने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो साफ है, हमारे इस शरीर के जन्म के पहले दुनिया थी, और जब इस शरीर की मौत हो जाएगी तो भी दुनिया रहेगी। सोचना यह है कि जन्म लेकर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें करना क्या है, किस लिए आए हैं, इसी बात पर हमें ध्यान देना है और इसी बात पर हमारा अधिकार है। वस्तुतः दुनिया दो दिन की नहीं है, किंतु दुनिया का और हमारा जो संबंध है वह संबंध बहुत थोड़े समय का है। आज है, आगे कब तक रहेगा पता नहीं है। और जब दुनिया से हमारा संबंध टूटेगा तो ऐसा टूटेगा कि सदा के लिए टूटेगा, फिर इसी रूप में इस दुनिया में हम नहीं आ सकेंगे और इस जीवन का हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो लोग दुनिया छोड़ छोड़ करके चले गए, आज उनका क्या रह गया है? क्या उन्हें याद भी होगा? कुछ याद नहीं है। हम व्यर्थ चिंता में पड़े रह जाते हैं, हमारे नहीं रहने पर क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, आपके नहीं रहने पर भी आपके बच्चे खाए पिएंगे जिएंगे, ये विश्वास रखो। करना क्या है? आत्मकल्याण का, आत्म शांति का काम करना है, और वही काम हम नहीं कर पाते। एक चुटकुला याद आ गया। एक विद्यालय में
टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ वह कौन सी चीज है जो बनी तो है किसी दूसरे काम के लिए लेकिन जिसका उपयोग किसी दूसरे काम में किया जाता है। जिस काम के लिए बनी है उसके लिए उपयोग नहीं किया जाता और दूसरे काम के लिए उपयोग किया जाता, वो चीज कौन है? सब बच्चे चुप रहे। कुछ देर के पश्चात एक बच्चा खड़ा हुआ, कहे सर मैं बताऊं? कहे बताओ। लेकिन सर मेरा उत्तर सुन करके न तो आप गुस्सा होंगे और न मुझे मारेंगे, तब बताऊंगा। तो टीचर ने कहा, अरे इसमें गुस्सा करने के और मारने की बात कहां से आ गई? तो निर्भय होकर बताओ, न तो मैं तुम्हारा उत्तर सुन करके गुस्सा करूंगा और न ही तुम्हें मारूंगा, लेकिन सही उत्तर बताओ कि वह कौन चीज है, बनी है दूसरे काम के लिए, उपयोग दूसरे काम के लिए किया जाता है। तो बच्चे ने कहा, सर आपके हाथ में जो रूल है ना, ये रूल बना है लाइन खींचने के लिए, उपयोग करता हमको मारने के लिए, बस ये चीज है। ये ऐसे जीवन मिला है आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए, सेवा के लिए। हमारे इस मानव जीवन का उद्देश्य केवल दो है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत धिताय, अपना कल्याण और दुनिया की सेवा। बस ये दो काम के लिए जीवन है, कमाना खाना मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है। हमें जीना है तो खाना पड़ेगा, खाना है कमाना पड़ेगा, काम धाम करना पड़ेगा। जीवन भर आदमी पूर्ण संयम से रह नहीं सकता, इसलिए आदमी शादी विवाह करता है। शादी होती है, पति पत्नी इकट्ठे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको पालना पोसना, लिखाना पढ़ाना, उनको योग्य बनाना, ये भी आपकी एक जिम्मेदारी हो जाती है, एक मजबूरी है। जानवर अपना पेट भर लेते हैं, कुछ है नहीं जानवरों के पास, ना घर है, ना खेत है, ना खलिहान है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कुछ भी नहीं जानवर के पास। लेकिन जानवर एकदम निश्चिंत निर्भय, जानवरों को कोई क्लेश नहीं है, कोई मानसिक वेदना और मानसिक पीड़ा नहीं है। सुबह से शाम तक जानवर अपना पेट भर लिए, समय आया नर मादा का संयोग हुआ, बच्चे पैदा कर लिए, और हर मादा जानवर को मालूम है कि मुझे अपने पैदा हुए बच्चे की देखरेख कैसे करनी है, पालन पोषण कैसे करना है। यदि काम करना, पेट भरना, बच्चे पैदा कर लेना, इतना ही जीवन है, तो आदमी और जानवर के जीवन में कोई अंतर नहीं हुआ, दोनों बराबर है। मनुष्य का जीवन इसके आगे के लिए मैंने कहा था, खाना मजबूरी है, उसके बिना जी नहीं सकते। खाना है तो काम करना भी मजबूरी है, बिना काम करे आपको अनाज और पैसा निर्वाह चीजें कहां से मिलेगी। शादी हुई, बच्चे पैदा होकर पालना पोसना आपकी मजबूरी है, लेकिन चिंता करना, भयभीत होना, लड़ना झगड़ना, ये मजबूरी नहीं है, अपना बनाया रोग है। जानवर कभी ऊपर उठ नहीं सकते, उनका आत्मिक विकास हो नहीं सकता, लेकिन याद रखना होगा जानवरों का पतन भी नहीं होता है। जानवर अपने रास्ते से प्राय भटकते नहीं हैं, और आदमी, हर आदमी में पूरी संभावना है
कि वह अपना पूर्ण विकास करके आत्मकल्याण का काम कर सकता है। यदि आदमी ने अपने जीवन को शोध लिया, जीवन के क्रियाकलापों को शोध लिया, तन मन को शोध लिया, तो आदमी आदमी न रह करके भगवान बन सकता है। ध्यान रखना होगा, आदमी को छोड़कर, इंसान को छोड़कर के पूरी दुनिया में आपको भगवान कहीं नहीं मिलने वाला है। भगवान की बात हम केवल सुनते हैं और पढ़ते हैं, आज तक किसी की मुलाकात नहीं हुई है। और भगवान ने आकाश से उतरकर अपने होने का प्रमाण भी नहीं दिया है कि देखो तुम लोग क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो, देखो ये तो मैं हूं। आदमी भगवान की कल्पना करता है, आदमी भगवान के लिए तर्क वितर्क करता है, और आदमी ही भगवान को प्रमाणित करता है। तो जो भगवान की बात होती है, वो भगवान की बात हमने केवल सुनी है या पढ़ी है, किसी की मुलाकात नहीं हुई है उससे, और आगे होगा भी नहीं किसी से। लेकिन आदमी जो निश्चय कर ले तो आदमी भगवान हो सकता है। आदमी ही भगवान है, संभावना है। लेकिन यदि आदमी ने अपने को संभाला नहीं, उसे गलत संगत मिल गई और गलत संगत पाकर गलत रास्ते में चला गया, तो आदमी से बड़ा शैतान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तारने वाला आदमी, डुबाने वाला आदमी, निर्णय अपने लिए स्वयं को करना है कि मुझे तरना है या डूबना है। स्वतंत्र है आदमी, परतंत्र नहीं है। परतंत्र क्यों होता है? अपनी गलत आदतों के कारण। महान है आदमी, अपनी महानता को भूल गया है। लोभ, लालच, आदत, आसक्ति के कारण। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। सदगुरु कबीर मानव मात्र को हंस कहते हैं। आप बगुला नहीं हो, स्वभाव से आप गलत नहीं हो, स्वभाव से आप मलिन नहीं हो। हमारा और आपका जो स्वभाव है स्वतंत्र है, पवित्र है, निर्मल है, निर्विकार है। भूल गए हैं, इसलिए कभी भी अपने को आप छोटा मत समझिए। न जाति को लेकर छोटा समझिए, न वर्ण को लेकर, न मत पंथ को लेकर के, न रुपये पैसे को लेकर, न विद्या बुद्धि बल को लेकर, किसी के लिए आप अपने को छोटा मत समझिए। आप महान हैं, भूल गए हैं अपनी महानता को। क्यों? हल्की अपनी चाल, अपनी गलत चाल के कारण। गलत चाल क्या है? वो आदत, दोष, दुर्गुण, दुराचरण। जिसने अपने दोष, दुर्गुण, दुराचरण का त्याग किया, आदत और आसक्ति का त्याग कर दिया, वो महान हो गया। महान था, भूल गया था, भ्रम में पड़ गया था। जैसे किसी राजा को भ्रम हो जाए या राजा पागल हो जाए, और पागल होकर राजा गली गली दाने बिन बिन कर खाने लग जाए, घूर में जाकर के दाने बिन कर खाने लग जाए। जो राजा हजारों लाखों लोगों को खिला सकता था, बुद्धि में भ्रम होने के कारण, पागल होने के कारण गली गली में
घूम घूम करके दाने बिन करके खा रहा है। आप मानव मात्र सम्राट है, लेकिन अपनी महानता को भूल गया। गली गली में ये गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, भीख मांग करके कोई सम्राट हुआ है? भीख मांग करके कोई प्रसन्नता से जी सका है? आदत जितनी आपकी होगी, किसी की भी होगी, जितनी ज्यादा आदत, जितनी ज्यादा आसक्त, जितना ज्यादा लोभ, उतना आपको मजबूर होना पड़ेगा, दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। कोई इच्छा ही नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई आदत आसक्ति ही नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों? हाथ फैलाने की आवश्यकता क्यों? भीख मांगने की आवश्यकता क्यों? ये भीख मांगने से बचना है, अपमानित होने से बचना है, तो एक ही काम करना है, अपनी गलत आदतों का त्याग। और गलत आदतों का त्याग ही भजन करना है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ना हरि भजन ना आदत छूटी, साहब कहते हैं सच्चा हरि भजन अपनी गलत आदतों का त्याग। मंदिर जाते होगे, वहां कुछ भेंट लेकर जाते होगे, प्रसाद लेकर के जाते होगे, गुरु के पास जाते होगे, संतों के पास जाते होगे, कुछ भेंट प्रसाद लेकर के जाते होगे। बाहर कुछ भी प्रसाद लेकर के मत जाओ, मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, गुरु के पास जाओ, तो अपनी कोई गलत आदत भेंट कर दो। भेंट करने मतलब छोड़ दो कि आज मैं सत्संग में आया हूं, आज मैं भगवान के दरबार में आया हूं, आज मैं गुरु के दरबार में आया हूं, आज अपनी ये गलत आदत गुरु को भेंट दे रहा हूं, आज इस गलत आदत को इसके पश्चात दोहराऊंगा नहीं। सच्ची भेंट हो जाएगी, सच्ची पूजा, सच्ची भक्ति हो जाएगी, फिर आपकी महानता प्रकट हो जाएगी। यथेव बिंबम मृद्यो पलितम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम तद्दात्म तत्व परिसमीक्ष देहि एक कृतार्थो भवते वीत शोक। उपनिषद के ऋषि कहते हैं जैसे एक मणि है, कीचड़ में लिपटी हुई है, उसकी चमक धूमिल हो चुकी है, पहचानने में नहीं आ रही है। साहब ने भी कहा है हीरा पड़ा बाजार में रहा छार लगता है, हीरा तो बाजार में पड़ा हुआ है लेकिन धूल से लिपटा हुआ है हीरा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, समझते लोग समझते हैं तो कंकड़ या पत्थर है। सदगुरु कहते हैं या ऋषि कहते हैं जैसे एक मन किचन में लिपटी हुई है, चमक खो गई है, यदि उसके धीरे धोते जाएं, धोते जाएं, धोते जाएं, उसकी कीचड़ धुलता चला जाएगा, मणि की चमक निखरती जाएगी, बिखरती जाएगी, और जब पूरा का पूरा कीचड़ धुल गया तब मणि पूर्ण प्रकाशित हो गई, उसकी चमक पूरी तरह से फैल गई। तद आत्म तत्व परिसमीक्ष देही एक कृतार्थो भवति वीत शोक। इसी प्रकार परिसमक्ष अपने आप को अच्छी तरह से धोते चले जाएं। धोना क्या है? वही अपने एक एक गलतियों को छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, अपने आप को निरंतर मांझते चले जाना, मांझते चले जाना, कृतार्थ हो जाएंगे। आपके भीतर का भगवान, भीतर का परमात्मा उद्घाटित हो जाएगा। यही तो भजन करना है, यही तो भक्ति करना है, यही तो सत्संग करने का, पूजा करने का फल है, और इसी से आत्मकल्याण होगा। राम राम जपने से कल्याण नहीं होने वाला है, चाहे राम राम जपो, चाहे सतनाम सतनाम जपो, चाहे मैं आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध हूं, निर्मल हूं, रात दिन जपते रह जाओ, कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा तो आप हैं, बताने की जरूरत क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं चेतन हूं, ये तो हमारा शाब्दिक ज्ञान हुआ है ना। तात्विक ज्ञान क्या होगा?
जैसे ये जीव ये आत्मा शुद्ध है, वैसे ही हमारे कर्म, हमारी वाणी और हमारा चिंतन शुद्ध हो गए, हमारा मन शुद्ध हो गया, हमारा अंतगण शुद्ध हो गया, बस कल्याण हो गया। सत्व पुरुषस्तु साम्य कैवल्यम। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में, जैसा पुरुष, जैसा जीव शुद्ध है, वैसे अंतगण शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, बस कैवल्य हो गया, मोक्ष मिल गया। इसी के लिए ही ये जीवन मिला हुआ है, आत्मनो मोक्षार्थ, आत्मा के मोक्ष के लिए। और मोक्ष के लिए करना कुछ नहीं है, जाना कहीं कुछ नहीं है, केवल अपने आप को धोते जाना है। मुक्त मुक्त सब कोई कहे, मुक्ति न चिन्हे कोई, अपने से जो पृथक है मुक्ति ताहि जज होए। मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, जब तक राखे अन्य को तब तक तेही को खोए। श्री विशाल साहब जी कहते हैं मुक्ति ऐसी चीज है जब तक अन्य को रखोगे, अन्य मतलब दुनिया का मोह, देह का अहंकार, चीजों का लोभ, जब तक मन में लोभ है, मोह है, अहंकार है, मुक्ति खोई रहेगी, कभी मिलेगी नहीं। चाहे रात दिन जपते रहो कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, और जिस दिन लोभ मोह अहंकार को छोड़ दिए, मुक्ति पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहते रहते मुक्ति हो सकती है। यदि सही ढंग से लोभ मोह अहंकार को छोड़ दिए तो, और यदि लोभ मोह अहंकार नहीं छूटा है, साधु बनकर घूमते रहो दुनिया में, जिंदगी भर कभी मोक्ष नहीं होने वाला है। बंधन क्या है पहले हमारा, ये लोभ मोह अहंकार, ये तो बंधन है, और इनको हम छोड़ने का काम करते नहीं हैं, बल्कि हमारा लोभ बढ़ता जा रहा है, मोह बढ़ता जा रहा है, अहंकार बढ़ता चला जा रहा है, पकड़ बढ़ती चली जा रही है, बंधन और पुष्ट होता चला जा रहा है, कहां से मोक्ष मिलेगा। मुक्ति में पाना कुछ है नहीं, केवल छोड़ना होता है, छोड़ना भीतर से होता है, बाहर से क्या छोड़ोगे। जैसे हम लोग, आप लोग जिन्हें साधु महात्मा कहते हैं, हम लोग जिस घर में रहते थे, घर छोड़ दिए तो मठ में रहने लग गए, आपका घर और मठ बात तो एक हो गई। एक परिवार को छोड़ दिए, गुरु मिल गए, गुरु भाई मिल गए, शिष्य मिल गए, आप भगत लोग मिल गए, परिवार तो हमारा भी बन गया। आप कपड़ा पहनते हो, हम कपड़ा पहनते हैं, आप भोजन करते हो, हम भोजन करते हैं, अंतर कहाँ है, सब कुछ तो वही है। अंतर बाहर नहीं है, अंतर भीतर है। मठ भी मानता हूं मैं, घर का वातावरण कुछ अलग होता है, मठ का वातावरण कुछ अलग होता है, लेकिन मठ कल्याण नहीं करेगा, याद रखना होगा। किसी भी मठ में, बड़े से बड़े आश्रम में, किसी कोने में बैराग रखा नहीं, तिजोरी में जाकर निकालो, गुरुजी थोड़ा थोड़ा दे देंगे। यह ज्ञान या साधना या मोक्ष नहीं है कि थोड़ा गुरु के पास जाकर भक्ति कर लो, थोड़ा सा मीठी मीठी बात कर लो, थोड़ा सा चुटकी चुटकी मुक्ति आपको गुरुजी बांट देंगे, कहीं ऐसा कुछ है नहीं। बैराग तो आपके भीतर है, परमानंद आपके भीतर है, परम शांति आपके भीतर है, परमात्मा आपके भीतर है, मोक्ष आपके भीतर, हर आदमी के भीतर है, लेकिन ये सब दबे हैं अहंकार के नीचे, मोह का जो पर्दा है उसके पीछे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे साहब कहते हैं। ये अविद्या और अहंकार, ये तो घूंघट है। अज्ञान मिटा, अहंकार मिटा, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया। समझने की आवश्यकता है। मैं मूल बात पर आता हूं। या दुनिया दो रोज की मत करे आसो है, सदगुरु कबीर कहते हैं ये जो दुनिया है दो दिन की है, मतलब बहुत थोड़े समय का। अर्थ है दुनिया का और हमारा जो संबंध है बहुत थोड़े समय का है। कितने दिनों का है कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता कि कितने दिनों है। जितना समय हमारा बीता है, कोई 10 साल जिया,
किसी की उम्र 10 साल की है, किसी की 20 साल, किसी की 30, 40, 50, 60, 70 साल। इतना हम बता सकते हैं कि हम इतने दिन तक जी लिए, लेकिन आगे के लिए नहीं बता सकते। प्रायः जब किसी आदमी की उम्र 45-50 साल की होती है और थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो लोग कहते हैं महाराज आधी जिंदगी बीत गई, आधी बाकी है, मतलब रट्टी लिखा कर रहा 100 साल जीने के लिए। तभी तो कह रहे हैं ना आधी बीत गई है, आधी बाकी है। भैया जितना बीता है उतने बता सकते हो महाराज, इतना बीत गया है, आगे का कोई ठिकाना नहीं है। कल क्या होगा कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। पाप पलक की सुधि नहीं। साहब कहते हैं एक पल के चौथे हिस्से का भी विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है। इले साहब कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। साहब कहते हैं जो काल करना है उसे आज कर लो, आज कर से अभी कर लो, क्योंकि कल क्या हो जाएगा, पल मात्र में क्या हो जाएगा पता ही नहीं है। सीधी बात यह है कि दुनिया का और हमारा जो संबंध है बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, अल्पकालीन है। बड़े बड़े आए, किसका क्या रह गया है? एक से एक चक्रवर्ती सम्राट आए, एक से एक आतताई आए, एक से एक आदर्श कलाने वाले महापुरुष आए, सब चले गए, किसी का रहा नहीं। दादा बाबा ओपर पाजा जिनके यह भूई भाड़े हो, आंधर भये हो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। हमारे दादा बाबा पर पाजा छोड़ छोड़ करके चले गए, ऐसे हमें भी तो जाना है ना। कभी ख्याल करते हैं, जब तक संबंध है आत्मीयता से निभा लो, सेवा कर लो और सेवा करके साधना कर लो। और सीधी बात आप कहते हैं मत कर यासो हेत, हेत का मतलब प्रेम होता है, लेकिन हेत का मतलब मोह बना लेना। ये मोह ही गले की फांसी होती है। परिवार में आप रहते हैं, जितना आपकी समझ है, बुद्धि है, योग्यता है, समय है, बल है, उस ढंग से परिवार की सेवा करें। परिवार के लिए जो कर्तव्य है पूरा पूरा अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, अपने कर्तव्य पालन में कोई चूक न करें। जैसा प्रेम देना है भरपूर प्रेम दें, लेकिन ये सोचते रहें कि आजकल में इनका और मेरा संबंध टूटने वाला है। टूटेगा जरूर, कोई रोक नहीं पाएगा। जब तक जीना है प्रेम से सेवा से जिए, लेकिन जाने के लिए हमेशा तैयार रहें कि गाड़ी आने वाली है, मोटरी बांध कर गठरी बांध तैयार रहे, आते ही बैठ जाए। कर्तव्य पालन नहीं करेंगे, मोह नहीं छोड़ेंगे, तो केवल दुख होगा, केवल दुख। मौत के समय शरीर में भी कोई रोग नहीं है तो कोई पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा क्यों होती है? लोग रोते क्यों हैं? मोह के कारण। हाय मेरा ये छूट रहा है, हाय मेरा वो छूट रहा है, हाय मेरा वो छूट रहा है। ये मोह आदमी को रुलाता है। यदि कोई ऐसा नियम होता, असंभव है, होगा नहीं, लेकिन कल्पना करो यदि ऐसा कोई नियम होता, आदमी मरता तो अपने घर द्वार जमीन जैसा परिवार को लेकर के जाता ना, तो कोई रोता नहीं फिर। लेकिन ये नियम ही नहीं है, असंभव ही, हो ही नहीं सकता। सदा रहने के लिए कौन आया है? होता तो है मेरा ये छूटना भैया पक्का है, और ये छूटना गलत नहीं है, अच्छा है। इसी में ये छूटने में दुनिया चल रही है, पकड़ने में दुनिया नहीं चलती। वो कहानी याद करो, अकबर बादशाह था, सब जानते हैं अकबर। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे, बीरबल अन्य मंत्री भी बैठे थे।
अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल यदि ये बादशाहत सदैव कायम रहती तो कितना बढ़िया होता। जिस आदमी को गद्दी मिल जाती है ना, सोचता है मैं ही सदा बैठा रह जाऊं, एक बार मंत्री बनकर सोचता है कि मैं ही सदैव बन मंत्री बने रहूं, और जो भी बन जाता सदैव मैं ही बना रहा हूं, हर आदमी के मन में होता है, समझता नहीं है। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल यदि बादशाह सदैव कायम रहती तो कितना बढ़िया होता। बीरबल ने कहा, हुजूर इससे बुरा कुछ भी नहीं होता, बहुत बुरा होता। बीरबल की बात तो निराली बात थी, हुजूर बहुत बुरा होता यदि बादशाह कायम होती तो। अकबर ने कहा कि क्यों, अरे कायम रहते हम ही सदैव राजा बने रहते, राज्य का भोग करते, बढ़िया नहीं होता। हुजूर यदि बादशाहत कायम रहती ना तो गद्दी पर आपके दादा दादा बैठे होते, आप नंबर ही नहीं आता। अरे वो तो एक बात एक चले गए तो नंबर आ रहा है ना, तो छोड़ना भैया गलत नहीं है। आपके पिता ने छोड़ा तो अधिकार आपको मिला, पिता पकड़े बैठे रहते तब क्या करते। कितने घर ऐसे होते हैं जहां बूढ़ा पिता अभी बैठा है, 90, 95, 98 साल के बूढ़ा पिता है, अधिकार बैठा हुआ है, और बूढ़ा पिता सोचता रहता है कि मैं मर जाऊं तो इन बाल बच्चों का क्या होगा। और कितने घर में जवान बेटा सोचते हैं, अरे बूढ़ा बाप कब मरे तो अधिकार मेरा हो जाए, मालिक मैं बनूं। ध्यान रखना, आपके बाल बच्चा आपके मरने के सोच की चिंता करें, पूजा कर रहे हैं आदमी ये कब मरे बूढ़ा बाबा, अरे ये बाबा कब मरे तो बड़ा खाने को मिले। दशा ऐसी है, चिंता क्यों करते हो। हाँ लेकिन जब तक जियो प्रसन्नता से जियो, आनंद से जियो, शांति से जियो। लेकिन ये प्रसन्नता कब मिलेगी, शांति कब मिलेगी, आनंद कब मिलेगा। जियो जैसा काम है वैसा करोगे तब, जब सेवा करोगे, प्रेम का व्यवहार करोगे, मोह छोड़ करके रहोगे, लोभ छोड़ करके रहोगे, तो जिंदगी प्रसन्नता से आनंद से शांति से व्यतीत कर सकोगे। लोभ है मन में, मोह है मन में, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर झगड़ा कर रहे हो, लड़ रहे हो, खींच रहे हो, तो कभी प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा, न तो सेवा बनेगी न आत्मकल्याण का काम होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु चरणन चित लाइए जो पूरन सुख दे। गुरु के चरणों में प्रेम लगाओ जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। तो क्या गुरु चरण को पकड़ कर बैठ जाए, गुरु चरण भी कब तक रहेगा, गुरु शरीर भी छूटेगा। कौन गुरु ऐसा है जो सदैव बैठा रहा है आज तक। जैसे हमारे और आपके पैर हड्डी मांस चाम का है, वैसे गुरु का पैर भी है। जैसे हमारा ये शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है, वैसे गुरु शरीर भी बना हुआ है। तो गुरु के पैर पकड़ कर कब ना बैठे रहोगे, गुरु पैर पकड़ बैठे रहोगे तो गुरु बेचारा आना जाना होगा तो क्या करोगे। अर्थ है, लक्षण अर्थ है, गुरु चरण मतलब गुरु जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, गुरु जो निर्देश कर रहे हैं, उस निर्देश के अनुसार से जीवन जीना, गुरु के बताए रास्ते पर चलना, ये गुरु की वास्तविक भक्ति होती है। गुरु के लिए बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। हमारे गुरु ऐसा मरे गुरु नहीं है, और गुरु जो निर्देश दे रहे हैं वो निर्देश नहीं है, गुरु जो ज्ञान बातें बता रहे हैं उधर ख्याल ही नहीं है। आचरण गुरु के ज्ञान गुरु के उपदेश के बिल्कुल विपरीत, और मुख से गुरु की बड़ी प्रशंसा, ये गुरु भक्ति नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप गुरु के पास रहोगे तभी गुरु की भक्ति कर पाओगे। गुरु से दूर रहकर भी गुरु की भक्ति कर सकते हैं यदि आप गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे हो तो। और गुरु के निकट तो हैं, गुरु के पैर भी दबा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन गुरु ज्ञान के अनुसार जीवन नहीं है, तो गुरु के निकट रहकर भी आप या कोई गुरु से बहुत दूर है।
गुरु के पास क्यों जाते हैं? गुरु के शरीर को देखकर हम गुरु की भक्ति नहीं करते, गुरु के मठ को देखकर हम गुरु की भक्ति नहीं करते। गुरु के ज्ञान, गुरु का वैराग, गुरु का त्याग, गुरु के जीवन की जो रहनी है, इन सब को देखकर हम गुरु की भक्ति करते हैं। तो उसी ज्ञान की बात तो ले लो, उस गुरु का जो वैराग है, गुरु की जो साधना है, गुरु का जो त्याग तप है, गुरु की जो उज्जवल रहनी है, उसका आचरण करना ही मानो गुरु की भक्ति करना, ये गुरु के चरणों में प्रेम लगाना है। और यही से सीधा सच्चा निर्मल सुख की प्राप्ति होगी। दुनिया का जो सुख होगा वो क्षणिक होगा और परिणाम में दुख उत्पन्न करने वाला होगा। दुनिया का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जिस सुख के परिणाम में दुख ना मिलता हो, और दुनिया का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो सुख छूटने वाला नहीं हो। सब सुख छूटेगा और अंत में दुख आ जाएगा। खाने का सुख है, कितनी देर तक खाओगे? जब तक खाओगे तब तक सुख, वो भी थोड़े समय तक, खाने के बाद सुख खत्म। देखने का सुख है, थोड़े समय तक, जब तक देखते हो तब तक, देखना बंद हो सुख खत्म। सुनने का सुख है, जब तक सुन रहे तब तक सुख, तब तक सुख, उसके बाद सुनना बंद सुख खत्म। लेकिन ज्ञान का जो सुख है, आचरण का जो सुख है, मन की निर्मलता का सुख है, मन में जो संतोष है, प्रेम है, इसका जो सुख है वो सुख सदैव रहने वाला है। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी, आत्मसंयम का सुख, संतोष का जो सुख सदा रहने वाला, संतोषी सदा सुखी कहा जाता है। संतोषी जो आदमी है वो कभी दुखी नहीं होगा, असंतोषी आदमी उसके भाग्य में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई से जो भी प्राप्त हो जाए उसमें संतोष रखना सीखना होगा। दूसरे की चीजों को देख करके कभी ललचाइए मत। कितने बड़े आप आदमी हो जाए, अरबपति नहीं खरबपति भी हो जाए, और दूसरे की चीज को देखकर ललचा रहे हो तो आप दरिद्र हो। कोई भी दरिद्र है, ये ललचाना आदमी की दरिद्रता है। और जो नहीं ललचाता, अपनी कमाई से जो मिला है उसमें पूरा संतोष रखता है, झोपड़ी में रहकर भी वो बादशाह है। ये बाहर का बादशाह बिचारा तो दीन ही नहीं, हमेशा भयभीत, हमेशा भयभीत बना, हमेशा भयभीत, ये ना छूटे वो ना छूटे, अमुक धोखा ना दे, सेना जो धोखा ना दे दे, बाहर का राजा आक्रमण ना कर दे, उसको बेचारे नींद नहीं आती है। लेकिन जो संतोषी है, आत्मसंयमी है, जिनका जीवन त्याग वैराग से पूर्ण है, जीवन निर्मल है, हर समय आनंद, हर समय आनंद, हर समय आनंद। गुजरात में एक लेखक हुए हैं, बड़े अच्छे लेखक हुए हैं, पता नहीं शायद है या नहीं है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है। कड़की ने भूख लागे तय लागे, ये गुजराती में है, कड़की ने भूख लागे मानू तुम्हें टाटा छो, घर घर ऊँगा में मानू तुम्हें बिड़ला छो। यदि तुम्हें भोजन के समय खूब कस करके भूख लगती है, जोर करके, तो समझ लो कि आप टाटा से कम नहीं हो। और रात्रि में सोते समय खूब बढ़िया नींद आती हो तो बिड़ला से भी कम नहीं हो, और शरीर में कोई रोग नहीं है तो अम्बानी आपसे छोटा है फिर तो, और क्या चाहिए आपको? खूब खुल करके भूख लग रही है और रात में बढ़िया नींद आ रही है, मन में कोई चिंता नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है, आप महाधनवान आदमी हो। ध्यान इसका दीजिए, काम ऐसा करें, इतनी मेहनत कर लें कि भोजन के समय आपको खूब कस करके भूख लगे, और जो भोजन खा रहे हो वो भोजन पचाने के लिए आपको दवाई ना खाना पड़े। बड़े बड़े धनवान हैं, अरबपति हैं, भोजन का समय तो हुआ लेकिन बेचारे को भूख नहीं लगती है, करते क्या है? भोजन समय तो हो रहा है, खाना है,
तो खाने के एक घंटा पहले एक गोली खा लेता है ताकि भूख लगे। अब खाया भी कितना है, एक रोटी आधी रोटी डेढ़ रोटी मुश्किल से खाया वो खाया, अब एक रोटी पचाने भी मुश्किल, तो एक गोली फिर खा लिया महाभागा आदमी। क्या फायदा हुआ भाई ऐसे धन का? धन कौन है? जितना आप उपयोग कर रहे हो आपका धन है। इसलिए मैं कह रहा था, लेखक ने कहा है यदि आपको खूब कस करके भूख लगती है, खाया हुआ भोजन बहुत बढ़िया पच जाता है, रात में बढ़िया नींद आती है, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, और मन में अच्छे विचार प्रसन्नता, आप अरबपति नहीं हैं, चक्रवर्ती सम्राट है। चिंता क्यों करते हो? इसलिए दूसरे चीज को देख करके ललचाइए मत। ललचा रहे हैं, भूख भी नहीं लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है, तमाम बीमारी शरीर में घिरी हुई है। क्या है आपके पास? कुछ नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है। महादरिद्र, ये दरिद्रता मिटाने के लिए ही गुरु ज्ञान की आवश्यकता होती है। बाहर की दरिद्रता पैसे से मिट जाएगी, लेकिन मन की जो दरिद्रता है ये पैसे से नहीं मिटेगी। इसके लिए ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, धर्म का आचरण चाहिए, और इसी के लिए गुरु की संगति चाहिए, इसी के लिए संतों की संगति चाहिए, इसी के लिए सत्संग ज्ञान श्रवण की आवश्यकता होती है। तो या दुनिया दो रोज की मत कर आसो हेत, गुरु चरणा चित लाइए जो पूर्ण सुख दे। सदगुरु कबीर कहते हैं दुनिया का और हमारा जो संबंध है बहुत थोड़े समय का है, इसलिए ऐसा जीवन जिए कि दुनिया से जाते समय पश्चाताप ना करना पड़े, और जब हम जाए ना तो लोग कहेंगे अच्छा हुआ मर गया, ऐसा ना कहना पड़े लोगों को। किंतु दुनिया से जाते समय जाना तो है, सबको जाना, सबको जाना है। मौत ऐसी चीज है, मरना कोई नहीं चाहता, सब घबराते हैं, जबकि हम रोक नहीं सकते। 80 साल का आदमी हो गया, अरे तो सोचते हैं अरे 90 साल भी लोग जी लेते हैं, 90 साल हुआ तो लोग तो 100 साल भी जी लेते हैं। एक न एक बिस्तर पर पड़ा हुआ है, रोग से लथपथ है, उसी पर टट्टी पेशाब कर रहा है, मौत का नाम सुनकर वो भी घबरा जाता है। ये मोह, दुनिया का लोभ, दुनिया की जो आसक्ति है, ये आदमी को मरने नहीं देती है। इसलिए घबराइए मत, स्वागत करना है और तो आएगी आएगी, लेकिन आदमी मरना थोड़े चाहता है। इतना शरीर प्रति इतना मोह है कि बताया ना कि बिस्तर पर पड़ा हुआ आदमी मरना नहीं चाहते। वो कहानी याद है ना, बस अपनी बात समाप्त करता हूं। एक घर में एक बूढ़ी माँ थी, 90 साल से ज्यादा उम्र हो गई थी, चलना फिरना मुश्किल, भजन भी मुश्किल से पचता था, खाट पर पड़ी रहती थी, रोज कहती थी ये मौत तो कब आएगी, ये मौत तो कब आएगी, बहुत तू मुझे कब ले चलेगी। वो रोज मौत की याद करती थी, लेकिन जबान से याद करती थी, भीतर से याद नहीं करती थी। रोज कहती थी ये मौत आ जा मुझे ले चल, अब कहां तक है। रोज कहते हैं एक दिन बूढ़ी माँ सो रही थी, घर के सभी लोग सो रहे थे, तो मौत आ गई आधी रात के समय। वो बूढ़ी माँ के कमरे में गई, पैताने पर बैठी, उसका पैर पकड़ी, जब पैर पकड़ी मौत बूढ़ी माँ के, तो कुछ लगा तो बूढ़ी माँ जाग गई, देखी कि काली कलौटी औरत, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े भयानक चेहरा, डर गई। वो बूढ़ी माँ ने पूछा माँ बहन तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? तो मौत ने कहा जिसे तुम रोज पुकारती हो मौत कब आएगी, मौत कब आएगी, वही मैं मौत हूं, तुम्हें ले जाने के लिए आई हूं, चलो मेरे साथ। तो बूढ़ी माँ रोने लग गई, कहने लगी बहन तुम तो देख रही हो मैं एकदम बूढ़ी हो गई हूँ, न चल सकती हूँ, न फिर सकती हूँ, कोई काम नहीं करता, मुझे लेकर क्या करोगे? अरे घर में जवान जवान बहू बेटे हैं, उन लोगों को ले जाओ, मुझे लेकर क्या करोगे? ये दशा होती है। क्यों? मुंह, ये मोह ही भव सागर है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो मैं कह रहा था सेवा करें, कर्तव्य का पालन करें, जो प्रेम दे सकते हैं प्रेम का व्यवहार करें, लेकिन ऐसा मन बनाए, ऐसा जीवन बनाए कि जाते समय मन में कोई पश्चाताप ना हो, ये लगे कि मानव जीवन पाकर जो करना चाहिए था मैंने कर लिया, और नहीं रहने पर
लोगों को लगे भाई कि एक भला आदमी आज दुनिया से चला गया। कोई कोई रोया ना रो, हंसता हंसने दे, लेकिन हमारे मन में संतोष यदि है कि मानव जीवन पाकर जो करना चाहिए था वो काम मैंने कर लिया, अब मेरे मन में कोई लोभ नहीं, मोह नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तो शरीर कहीं भी छूटे, कोई कुछ भी कहे, हमारा कल्याण रखा। इसी के लिए ही गुरु ज्ञान की आवश्यकता होती है। गुरु ज्ञान यही काम आता है। गुरु का ज्ञान जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका बताता है और मौत का स्वागत करने का भी तरीका बताता है। मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है, किंतु मौत का स्वागत करना है। वो कब होगा? जब सेवा करते हुए मोह छोड़ दिया जाएगा और हमारा मन दुनिया से लौट करके अपने आत्माराम में स्थित होगा, तो दुनिया के लिए प्रेम और अपने लिए अनासक्त। गुरुदेव जी का सूत्र है, प्रेम से स्वर्ग मिलता है और अनासक्ति से मोक्ष। प्रेम में सेवा होती है और अनासक्ति में मोक्ष होता है। तो प्रेम का व्यवहार करें, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम का पाठ पढ़ना मतलब प्रेम पूर्ण जीवन बिना जीना है, हर काम प्रेम पूर्वक करना है, लेकिन प्रेम देते हुए भी निर्मोह निर्लोभ निष्काम और अनासक्त रहना है। दुनिया की सेवा भी होगी, आत्मकल्याण का काम भी होगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, या दुनिया दो रोज की मत करी आसो हेत, गुरु चरण चितलाइए जो पूरन सुख दे। इतनी गर्मी में आप लोग इतने आराम से बैठे होंगे, बहुत लोग कहते हैं बाबा कब तक खींचते होंगे, तो अपनी बात में विराम देता हूं। दूर दूर से आप लोग आए, इस गर्मी में भी स्थिरता पूर्वक धैर्य पूर्वक बैठे रहे। आप सबके ये जो श्रद्धा भावना है, निष्ठा है, धैर्य है, आत्मकल्याण के लिए एक जागृति है, इन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हमारी ओर से, समाज की ओर से सबके लिए शुभकामनाएं हैं। संतों की संगति करके और संतों द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर इस जीवन को ठीक से जिए और आत्मकल्याण दिशा में आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ताली नेताओं के लिए बजाया करो। हेलो, अभी हम सब पूज्यवर साहिब जी के बहुत सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। बड़े सहज और सरल ढंग से कबीर साखी पर आपने अपना वक्तव्य दिया। पुनः एक बार मैं निवेदन कर दूं कि जो इस प्रकार विचार सुने, ये सब विचार भूल जाते हैं, हमेशा याद नहीं रहते, उनका पुनः पुनः मनन चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए साहित्य उपलब्ध हैं, आप बुक स्टॉल में जाकर के देखें और पुस्तकें लें। पूज्यवर साहेब जी एवं सदगुरु अभिलाष साहेब जी के प्रवचन के मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव भी उपलब्ध हैं। अनेक विषयों पर प्रवचन हैं, आप उसे भी देखें और लें। इलाहाबाद प्रयागराज कबीर आश्रम से एक पत्रिका प्रकाशित होती है, पारख प्रकाश, त्रैमासिक पत्रिका है, जिसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अनवरत रूप से पत्रिका निकल रही है, आप घर बैठे उसका लाभ ले सकते हैं। आप उसका लवाजम भर दीजिए और कितना, 40-50 रुपये हाँ जी, शुल्क करके आप साल भर तक उसका लाभ ले सकते हैं। कितना? साल भर का 50 रुपये है और आजीवन 1200 रुपये। आप 1250, सॉरी भाई मेरे से मिस्टेक हो रहा है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं।
और जो भी हो वहाँ जा करके हमारे साहेब चुड़मने साहेब जी हैं उनसे पूछ सकते हैं, जो संतजन भंडार घर तरफ हैं वो लोग आ सकते हैं, यहाँ आ जाएं मंच पे, और यहाँ के जो साथी लोग हैं हमारे संत लोग हैं जो व्यवस्था संबंधी बात बताएंगे आप लोगों को। बोलिए सदगुरु, अभी परम पूज्य गुरुदेव जी के विचार सुने, उसके पूर्व यहाँ के आयव्यय के बारे में संश्री कोमल साहेब जी ने बताया और आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया, उसी के बदौलत ये प्रोग्राम होता है और हमारे जो ऊपर अभी बन रहा है और उसको पूरी करने में भी आप लोग ही सहयोग करेंगे और आप लोगों के सहयोग से होता है। जितनी राशि उन्होंने बताया लेकिन एक बड़ी राशि है, आप लोग सोचते होंगे संतों को इतना जो मिलता है क्या करते हैं, सब थोड़ा थोड़ा जोड़ करके समाज के हित में ही लगा देते हैं, संतों की कृपा है ये। और वैसे ही श्री कोमल साहब ने आपके यहाँ किसी के यहाँ गए, आप लोग उनके लिए जो देते थे व्यक्तिगत के लिए, वो थोड़ा थोड़ा जोड़ करके 51,000 रुपये की राशि इस आश्रम के लिए लगाए, उनके लिए सब लोग एक बार ताली लगाएंगे। उन्होंने 51,000 रुपये की राशि इस आश्रम के लिए लगाया, और इतना ही नहीं, जहाँ तक यहाँ बीच बीच में संत आते हैं और छुटपुट जो खर्चा होता है और गाड़ियाँ भी रखे हैं कुछ भी होता है, उसके लिए किसी से कहते नहीं है, वो अपने पैसा से व्यवस्था करते हैं। और साथ में उमेन साहब भी है, उन्होंने भी 10,000 रुपये की राशि, वो कहीं आते जाते नहीं है पर भी 10,000 रुपये की राशि वो भी अपने बचा बचा करके रखे थे, उस राशि की समाज के लिए लगाए हैं। और इस प्रकार से यह समाज चलता रहता है और आगे भी ऊपर का निर्माण बहुत जल्दी हो, इसके लिए आप सबसे अपेक्षा है कि आप लोग भरपूर सहयोग करें। और अब पूजा आरती का प्रोग्राम शुरू होगा, गुरुदेव जी की पूजा करने के लिए, भेंट करने के लिए मैं कुछ लोगों का नाम ले रहा हूँ, आप लोग आ जाएंगे। हीरामन साहू, केवटिन टोला, गोवर्धन साहू, गोदपुर, गिरवर साहू, कोदागांव, सियाराम साहू, कोदागांव, ध्यान साहू, भानपुरी, भीखम साहू, परसोदा, टेश्वर साहू, जैसेकरा, खम्मन साहू, गोटी टोला, आप लोग आ जाए बड़े साहेब जी के। हाँ चलो, देव सदगुरु मुक्ति दाता, और मैं आगे संतों की बंदगी करने के लिए मैं नाम लेता जा रहा हूँ, वो लोग आते जाएंगे। केशवर साहू, जैसे खम्मन साहू, गोटी टोला, परम पूज्य श्री कृपाशरण साहेब जी की बंदगी करेंगे। केशवर साहू एवं खम्मन साहू, कृपा साहेब जी की। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, टेश्वर साहू जैसे कर रहा, खम्मन साहू गोटी टोला, आप परम पूज्य कृपा साहेब जी की बंदगी करेंगे। रामचरण साहू जैसे कर रहा, पूरन साहू गोदपुर, पूज्य श्री गुरुछेम साहेब जी की। देव प्रकाश साहू गोटी टोला, हुमन साहू जैसे कर रहा, आगम साहेब जी की। आप लोग जिस प्रकार नाम ले रहे हैं आप लाइन से आते जाएंगे। देव प्रकाश साहू गोटी टोला एवं हुमन साहू जैसा करा, आगम साहेब जी की। भुवनेश्वर साहू गोटी टोला, गोविंद साहू छोटे परसोदा, श्री विवेक साहेब जी की बंदाई करेंगे। दुलार साहू परसोदा,
निजाम सिंह परसोदत, आप दोनों श्री हीरेंद्र साहिब जी की। लिखन सारवा एवं दादू राम हिरवानी परसोदा, संतोष साहिब जी की बंदाई करेंगे। लिखन साहू एवं दादूराम हिरवानी, संतोष साहेब, राम आधार साहेब परसोदा, राम आधार साहू परसोदा एवं हेत राम साहू परसोदा, आप लोग उपेंद्र साहेब, चलो बात गणेश राम साहू परसोदा, गोविंद साहू पोस्टमैन परसोदा, सौमेंद्र साहेब जी की। प्रकाश ताराम परसोदा एवं रमेश साहू परसोदा, समेंद्र साहेब जी की। सुदर्शन साहू एवं बलदेव साहू कुरना, विवेक साहेब जी की बंदाई करेंगे। राजनांदगांव रविशंकर कुरना एवं दिनेश साहू केवटिन टोला, आप लोग दीपेंद्र साहेब जी की। जिन संतों जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ भक्त लोग आकर के करते जाएंगे। मधुसूदन कोदागांव, लालदास कोदागांव, हेमंत कोदागांव, मगन साहू, गिरधारी साहू, ज्ञान साहू, खिलू राम साहू गोविंदपुर, भगवान साहू कोदागांव। गिरधारी साहू आप भी आ जाएं, साहवाड़ा, ज्ञानचंद साहू परसोदा, अब साध्वी लोगों की बंदाई करने के लिए मैं कुछ लोगों का नाम ले रहा हूँ, वो लोग आ जाएंगे। शांति माता जी परसोदा, शांताबाई माता जी, शांता माता जी आप आ जाएंगे परसोदा, रेवती माता जी परसोदा, त्रिवेणी साहू गोतपुर, गिरजाबाई साहू कोदागांव, हेमलता साहू कोदागांव, रमियाबाई परसोदा, श्यामाबाई लखनपुरी, पीलाबाई परसोदा, श्रीमती पुराइन साहू जसकर्रा, अहल्या साहू भानपुरी,
चंद्रिका साहू दानी टोला, जिन लोगों का नाम लिया आप लोग आ जाएंगे और भेंट करेंगे। सत्संग में पंडाल में बैठे हुए लोगों से निवेदन आए, सुनीता साहू गोविंदपुर आप भी आ जाएंगे, और जो लोग भी गुरुदेव जी की संतों की बंदगी पूजा करना चाहे आप लोग आकर के बंदगी कर सकते हैं और जल्दी आएंगे क्रमशः, उसके बाद में फिर भोजन होगा। जो लोग भी गुरुदेव जी हम संतों की बंदगी करना चाहते हैं आ सकते हैं। गुरुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता तेहि दो प्रदीप ले पूज्य भाल चंदन पुष्प चरण हार गल हाथ धो क्यों मादे जिए कर जोर कर मैस्तुति गुरु तारण तरण दयाल हो क्षमा करो अपराध साहेब दीन जीवन बाल हो आप पारख रोप साहेब जानते सब माह के मैं अधम करनी जीव सद्गुरु नाही हम कछु लाए कि गुरु करत हूँ मैं बिनती प्रभु सुनिए जो दीन नयनाथ के अधम उधारण भव जीवन करत सनाथ के जगत स्वामी अजीत साय पारख गुण।